आपके सपनों का शहर प्रयागराज और आपके सपनों की यूनिवर्सिटी, जिसके विषय में हम सब बहुत कुछ सोचे समझे रहते हैं, और वहाँ पे जब आ जाते हैं, यानी कि जब प्रयागराज विश्वविद्यालय, जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहा ही जाता है, बाकी प्रयागराज तो शहर का नाम बदला है, लेकिन दिल इलाहाबाद ही है। हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम छात्र इस समय ग्राउंड में खड़े हैं, और ग्राउंड जीरो पर हम लोग खड़े हुए हैं। आज आपको विश्वविद्यालय की असली हकीकत से रूबरू करवाते हैं। विश्वविद्यालय के विषय में तमाम प्रेडिक्शन रहते हैं, बाहर का मार्केट जो कहता है हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में कि विश्वविद्यालय ऐसा है, विश्वविद्यालय वैसा है। एडमिशन लेने से पहले भी आप लोगों को बहुत लोग भड़काते होंगे, और भड़काने वाले को काम है भड़काना, गलत बताने वाले को काम है गलत बताना। लेकिन ये सभी छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में करंट में पढ़ रहे हैं, क्लास करके आ रहे हैं, पीठ पे झोला टंगा हुआ है, घर से बुरिया बिस्तरा लेकर, चावल गेहूं लेकर अपने सर पे लाद कर आते हैं, और एक बहुत बड़ी सपने और बहुत बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर आते हैं। तो आप सब यहाँ पे सबका सबसे पहले स्वागत ही है, व्यूअर्स भी तमाम आपको देखेंगे। तो आप लोग अपना नाम बताइएगा, अपना ईयर बताइएगा, जिससे सवाल हम पूछेंगे, और जिस सवाल जो पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा। विश्वविद्यालय के विषय में आपने पहले एडमिशन के पहले क्या सुना था, और यहाँ पे आने के बाद आपको कितना चेंजेस दिखा? जी, मेरा नाम अमित है, मैं BA फर्स्ट ईयर का हूँ। इस साल मेरा 2023 में एडमिशन हुआ है। जैसा कि पहले हमको हमारे गांव में कहा जाता है था कि विश्वविद्यालय में छात्र नेता, ये चुनाव होता है, यहाँ जाते हैं बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जब से हम एडमिशन लिए हैं तब से हमको ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं है। बाकी सबका यहाँ माहौल जो है अच्छा है, सर से भी हमारा बहुत अच्छा, मतलब सर से बहुत हमको प्रेरणा मिली है, सर की वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं, जो हैं सर की वजह से हैं। मेरा कोई रोल नहीं रहा, हम तो सूचना मंत्री हैं, सूचना देने का एक माध्यम ही है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के विषय में आपका क्या कहना, मतलब 1 सेकंड के 1 मिनट के बीच में बताइए कि विश्वविद्यालय ने अभी तक आपको क्या सिखाया है? सर, विश्वविद्यालय ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसा जैसा हमने सुना था और जैसा जैसा आप लोगों ने बताया, वैसे यहाँ आने के बाद हमें यहाँ का माहौल, वातावरण सब कुछ वैसे ही लग रहा है। और बाकी तो सर यहाँ के सीनियर उनियर का मतलब काफ़ी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो सब भी काफ़ी ठीक ठाक हमारे साथ व्यवहार अच्छा, करते हैं। ये बताओ बाबू कि क्लास व्लास यहाँ इधर क्लास व्लास चलती है कि नहीं चलती, ये बताओ। सर, हमारे यहाँ एकदम बिल्कुल रेगुलर क्लास चलती है सर। मतलब कोई अच्छा ये बताओ कि क्लासेज चलती है ना यहाँ पे, मतलब परमानेंट चलती है? कोई दिक्कत नहीं है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, टीचर अपना आते हैं पढ़ाते हैं चले जाते हैं। इसमें सारे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी तमाम आ गए होंगे, मतलब प्रोफेसर की वैकेंसी, प्रोफेसर की कमी तो नहीं है, प्रोफेसर की कमी तो होगी नहीं? नहीं नहीं सर, प्रोफेसर रेगुलर क्लास लेते हैं। अच्छा, क्लास में सुनते हैं बहुत खचाखच भीड़ भी भरी रहती है, नीचे बैठना पड़ जाता है, FCI बिल्डिंग वाली जो है ना उसमें नीचे बैठना पड़ता है, लेकिन क्या के पढ़ना है तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पढ़ना है उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ पढ़ने ते ले लिए, मतलब पढ़ने के लिए। इधर भी कुछ बच्चे खड़े हैं, आप लोग अपना नाम बताएं। और नाम दिव्यम है। दिव्यम है, तो विश्वविद्यालय आपको कैसा लगा, मतलब क्या सपना लेकर आप यहाँ पर आए हैं? विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना लेकर आए, पढ़ने का सपना तो सब लेकर आए, मतलब IAS PCS बनना है कि बस पढ़ना ही है? वो तो नॉर्मल है, वो तो सभी का सपना है, मतलब यहाँ पे सब नॉर्मल है ना, IAS PCS तो नॉर्मल ही है यहाँ पे, जो बच्चे आया है तो उससे नीचे सोच ही नहीं सकता। सही बात है, हमारा सोचने का वहीं से सोचना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत शानदार है, वहीं से सोचना हम शुरू करते हैं। विश्वविद्यालय के विषय में कौन क्या कहना चाहेगा, मतलब जो भी हो आगे आ जाए, मतलब अपने विश्वविद्यालय के विषय में हम क्या सोचते हैं, अभी तक 2-3-4 महीने में विश्वविद्यालय ने हमें क्या सिखाया है, हम यहाँ से क्या सीखे हैं, विश्वविद्यालय के विषय में अच्छाइयाँ क्या हैं, क्या कमियाँ हैं, इसको आप बता सकते हैं यहाँ पे? चलो बताओ। कमियाँ या FCI में पानी वाली बहुत है। अरे पानी वानी तो यार पिया ही जाएगा, पानी की समस्या नहीं है, मतलब क्लास व्लास चलती है कि नहीं चलती, ये बताओ। क्लास तो हमारी प्रॉपर चलती है, सबसे बड़ी दिक्कत है वॉशरूम की। अरे वॉशरूम यार देखो वहाँ बना हुआ है तमाम पहले तो भाई पढ़ाई की बात करो, क्योंकि बाहर के बच्चे जो बाहर हम लोगों का र्यूमर सब फैलाए हैं कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग इतनी खराब है, ये है, अब तो QS वर्ल्ड रैंकिंग ने भी यूनिवर्सिटी को अंडर 100 दे दिया है, अभी UGC की रैंकिंग आएगी, हमारे यहाँ सब टीचर्स से वैकेंसी फुल है। लेकिन अच्छा हुआ हुआ है कि नहीं, विश्वविद्यालय का स्वैग है कि नहीं अपने गांव में? हर जगह स्वैग है, हर जगह स्वैग है, हमारे पूर्वांचल में तो सबसे ज्यादा स्वैग है। बहुत स्लो चल रहा है लेकिन। अरे सिलेबस चल रहा है स्लो। अच्छा ये बताओ कौन मतलब कवर होगा, मतलब क्लासेज परमानेंट चलती है कि नहीं, टीचर आते कि नहीं आते? सर रेगुलर आते हैं, टीचर रेगुलर आते हैं, टीचर सर गारंटी लिए हैं कि हम अपना कोर्स समाप्त कर देंगे, हमको लोग कोई टेंशन लेने की बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। अच्छा ये बताओ पढ़ रहे हो कि नहीं, कि बस ठंडी का मजा, पढ़ाई सर हो रही है, पढ़ाई बढ़िया से हो रही है सर, तैयारी भी हो रही है उसकी, मैं बहुत तगड़ा झटका देता हूँ ना। अच्छा अच्छा विश्वविद्यालय
का जो इन्वायरमेंट है, जो नए बच्चे अभी आपको सुनेंगे, जो भी लोग बाहर के आपके माँ बाप भी इस वीडियो को देखेंगे, तमाम अभिभावक भी देखेंगे, यूपीएससी का सबका सपना होता है, तो आप सब तैयारी भी कर रहे हैं यूपीएससी की कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ का सिलेबस जब आपने देखा और यूपीएससी का जब सिलेबस देखा तो आपको क्या लगा? हमको सेम लगता है, यूपीएससी के सिलेबस में और यहाँ के जो सिलेबस उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अच्छा, नेता वेता नहीं बनना है क्या? मतलब नेता मेन प्रोफेसर यूपीएससी के लिए ये यहाँ आए सर, बनना है हम सिर्फ यहाँ से कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने, डिग्री लेने आए, आगे हमको बिजनेस करना, नेता बनना है। ये बताओ कि जैसे कि बहुत अनुशासन है विश्वविद्यालय में, आप लोग देखो देख रहे होंगे, तो आपको अनुशासन ये अच्छा लग रहा है कि इससे तो थोड़ा मतलब इतना रहना चाहिए, मतलब हर जैसे विद्यालय है तो इतना तो होना चाहिए, होना चाहिए ना। यहाँ से सर हम रिस्पेक्ट सीख रहे हैं, रिस्पेक्ट क्या होती है, बड़ों की क्या करना चाहिए, कैसा कैसे। थैंक यू। लाइफ में इससे क्या होता है कि डिसिप्लिन एक बार, इधर भी कुछ लोग आ रहे हैं, इधर आ जाओ, एकदम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग है ये, मतलब अब हम रिपोर्टर तो है नहीं लेकिन ये चैनल बड़ा है तो आप लोगों का प्यार ही है। कोई और बोलना, चले चश्मा लगा के भैया आए हैं, ठंडी लग रही है, मफलर काहे नहीं पहनो ये बताओ। अरे भैया भी लगाया थे लेकिन कैमरा देखा तो निकाल दिए। कैमरा देखा तो मतलब स्मार्ट दिखना है ना, मतलब। अरे क्या करते हो तुम अभी? सर मैं भी बीए सेकंड ईयर का छात्र हूँ और मैंने मतलब शायद 2022 में लिया था एडमिशन यहाँ पे। सेकंड ईयर वाले हैं, देखिए अब आप सब फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर का इसमें कौन कौन है? सेकंड ईयर है। अच्छा ये बताओ कि पिछले एक साल में विश्वविद्यालय कितना बदला? सेकंड ईयर वाले किनारे आ जाए, सेकंड ईयर वाले सभी लोग एक साथ आ जाए, सेकंड ईयर वाले जितने हैं, थर्ड ईयर वाले जितने सीनियर हैं, सब एक साथ आ जाए। आप लोग पिछले एक डेढ़ साल से यूनिवर्सिटी में हैं, पिछले साल का विश्वविद्यालय और इस साल का विश्वविद्यालय कितना फ़र्क आ रहा है नज़र? भैया बहुत चेंज हुआ है, मगर जब शुरुआत में आए थे तो मतलब जो क्लासेस चलती थी, लेकिन अब जो क्लासेस चल रही हैं रेगुलर चल रही हैं और अच्छी पढ़ाई हो रही है, मतलब जो नए आए हैं जो टीचर हैं वो नए आए हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब। और जो मतलब यहाँ अच्छी एक ये अच्छी लगी है कि जो यहाँ पे जो टीचर हैं सर आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा मतलब फोकस करते हैं, तो दूसरी यूनिवर्सिटी है वहाँ इतना नहीं होता, लेकिन वो मतलब सिखाते थे ठीक आप पढ़ रहे हैं ठीक वो दूसरी बात है, लेकिन आप लिखते कैसे हैं वो सबसे ज़रूरी यही है। तुम भी सेकंड ईयर में हो क्या? मतलब इस बार सेकंड ईयर है तुम्हारा, तो मतलब क्या चेंजेस नज़र आए हैं पिछले एक डेढ़ साल में, मतलब इस साल में क्या चेंज? दो तीन महीने में विश्वविद्यालय में बहुत बहुत शानदार तरीके से अनुशासन है, सारी चीज़ें हैं, बाहर के बच्चे आ भी नहीं पा रहे हैं, कॉलेज वॉलेज के बच्चे अब नहीं आते, अब कैंपस के बच्चे कैंपस क्लास करते हैं, तो क्या लग रहा है आपको? फिर जैसा कि फर्स्ट ईयर में हम लोग आए, फिर उसके बाद अभी सेकेंड ईयर का दौर है, करीब एक डेढ़ साल होने को करीब है, तो फिर जो बदलाव हुआ, फिर बहुत बहुत बदलाव हुआ है और इस बदलाव से कई लाभ भी हो रहे हैं और लाभ के साथ साथ छात्रों को थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही है। लाभ में फिर जैसे हो रहा है कि पहले क्या रहता था कि कैंपस खुला रहता था, कोई पाबंदी नहीं रहती थी, तो अक्सर देखा जाता था कि बुलेट से लोग आते रहते थे, तमाम प्रकार के बच्चों को आने जाने में दिक्कत होता था। इसके साथ ही फिर देखा जाता था कि जैसे आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर बरगद लान का माहौल शांत दिख रहा है, लेकिन नहीं, का माहौल दिखाओ सबको पहले, इतना शांति है यहाँ पे, बच्चे पढ़ भी रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, और अब तो पता है तुमको एक बात और है कि टीचर्स की भी गाड़ी अंदर नहीं आएगी अब, उस दिन देखो सब टीचर वहाँ गाड़ी के अपने किनारे खड़ी किए थे, तो मतलब अब हाँ तुम बहुत अच्छा बोल रहे थे, बोलो। पहले क्या था कि बरगद लान में जैसे शांत माहौल दिख रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले 365 दिन एक साल में होता है और प्रत्येक दिन किसी न किसी का जन्मदिन रहता था, तो केक कटते रहते थे और केक कटते रहते थे, तमाम प्रकार की हूटिंग होती थी, जो पढ़ने वाले बच्चों रहते थे उनका माहौल ख़राब रहता था। दूसरी चीज़ें पर जैसे कि अब समस्या कहाँ आ रही है, समस्या आ रही है कि जो भी डिसिप्लिन बनाया गया है, डिसिप्लिन बनाया गया है वो तो उत्तम है, सर्वोत्तम है, लेकिन सर समस्या आ रही है कि जैसे 6 बजे के बाद अंदर एंट्री अलाउ नहीं रहता है, ठंडी का मौसम है अपना, मतलब लाइब्रेरी में 9 बजे तक एंट्री है शायद, लाइब्रेरी में भी यही समस्या है, कम से कम ठीक है सर कैंपस में जैसे अलाउ नहीं है, कम से कम लाइब्रेरी को 6 बजे के बाद एंट्री रखना चाहिए कि जो कैंपस के बच्चे हों लाइब्रेरी में चले जाएं 9 बजे तक, तो फिर ये दूसरी समस्या है। और लाभ पर लाभ तो कई सारे हैं, जैसे हमारे टीचर यहाँ के हैं तो कई सारे ऐसे टीचर हैं जो मेन्स क्वालिफाई किए हैं, तो वो बच्चों को यहाँ तक लाभ दे रहे हैं कि अगर तुम लोगों को इन्फो राइटिंग में कोई दिक्कत आ रहा है तो हमारे केबिन में आओ और हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम रहता है, जो हमारी टाइम रहता है क्लासेस को छोड़ करके, उसमें भी तुम अपना कापी चेक करा सकते हो और जिस प्रकार का तुमको डायरेक्शन चाहिए हम उस प्रकार से तुम्हारी हेल्प करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है ना, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, ये विश्वविद्यालय की असली हकीकत से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, बाहर के लोगों क्या बोलते हैं हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी अपनी मातृ संस्था है, इसी मातृ संस्था का कर्ज हमारे ऊपर है, इसने कितने न जाने कितने
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आईएएस, पीसीएस, देश के हर कोने में हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सभी छात्र हैं, यहाँ पे कोई बनावटी इंटरव्यू नहीं हो रहा है, एकदम असली हकीकत है कि विश्वविद्यालय में क्या बदलाव आया हुआ है, विश्वविद्यालय में क्या चेंजेस आए हुए हैं, विश्वविद्यालय में अनुशासन की क्या स्थिति है, विश्वविद्यालय में पढ़ाई की क्या स्थिति है। अच्छा, कुछ और बताना चाहेंगे, मतलब इलाहाबादी जीवन, कमरा लेके कौन कौन रहता है इसमें? क्या रुपया में महीना बीता थे का बताओ सब जने? सर 5,000 महीना, 5,000, 5,000, 5,000, 3,000, 3,000 सर। हॉस्टल से? हॉस्टल्स, किस हॉस्टल में रहते हो? एसएसएल में। ये छात्रावास के हैं। अच्छा, सब मेस वेस में खाना वाना तो मिलता ही होगा? अच्छा, बोरिया पे मतलब चावल गेहूँ कौन लाद के लेकर आता है सर पे? सब चावल गेहूँ। अच्छा, इलाहाबाद जीवन जीना भी सिखाता है ना, तो मतलब माँ बाप का सपना, मतलब क्या बनना चाहते हैं आप? बस एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। अरे अच्छा इंसान तो राजू साहब बनते हैं यार, अच्छा इंसान ही बनेंगे। अभिषेक भी है, ये छोटा भाई है मेरा, इस सेकंड ईयर में इस समय है। अभिषेक, मतलब पिछले एक साल में यूनिवर्सिटी कितनी बदली है? काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। जब हम लोग आते थे तो यहाँ पे मतलब बिना आईडी कार्ड के हम लोग आ सकते थे, बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपद्रव भी होता था, पर अब जाके अब मतलब बहुत ज़्यादा शांति कायम हो गई है। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई होती है? हाँ, क्लास करते हो कि नहीं करते? क्लास करते हैं। अरे फर्स्ट ईयर में बहुत सब सीरियस हो गए क्लास कर, सेकंड ईयर में जाने के बाद एकदम हाँ? अच्छा यार, टोपी ओपी काहे नहीं लगाए? हम तो खुद नहीं टोपी, लेकिन हमारे तो खुद ही इतनी गर्मी है, ठंडी बहुत है। अरे भैया, इधर भी कुछ बच्चे खड़े हैं, इनके पास भी चलते हैं। एकदम देखिए, एकदम रियल वाला इंटरव्यू हो रहा है। और इधर भी कुछ लोग खड़े, भागिए मत, कैमरे से मत भागिए, कैमरा फेस करना सीखिए। आप लोग क्या कर रहे हैं इस समय बताइए, पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? बीए सेकंड ईयर सबका है। अच्छा, सेकंड ईयर वाले एक साथ मतलब अपना रिव्यू दीजिएगा कि पिछले 2-3-4 महीने से या एक साल से विश्वविद्यालय कितना बदला है, आपने क्या सुना था और अभी क्या विश्वविद्यालय है? जहाँ तक मैं प्रॉपर प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ, और मेरे बड़े भैया सभी लोग गांव से आते हैं यहाँ पर पढ़ने, तो उनका जो रिव्यू था, जो पहले यहाँ से पढ़ के गए थे, तो कुछ लोग तो मना करते हैं कि अगर केवल बीए करना है तो तुम गांव से ही कर लो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब निगेटिव कही थी कैंपस के बारे में। लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया है, शुरू में तो हल्का फुल्का मुझे भी दिखा था, लेकिन धीरे धीरे बदलता गया, आज हम बहुत बेहतर हैं। अनुशासन कैसा है विश्वविद्यालय में? सर अनुशासन बहुत ही बढ़िया है सर, मतलब यहाँ के सीनियर बहुत ही सपोर्टिव हैं सर। बहुत शानदार। अच्छा ये बताओ कि अब मतलब पढ़ाई होती कि नहीं होती? आज तो मैं गया था लॉजिक की क्लास करने पर वहाँ सर है ही नहीं। अरे यार, आज की बात नहीं है, मतलब हमेशा की बात बताओ, ऐसा नहीं है कि अरे यार तो मतलब एक क्लास, देखिए एक ही विषय की क्लासेज बहुत चलती हैं, मतलब तमाम क्लासेज एक ही सब्जेक्ट के टीचर चलते हैं, तो दूसरी क्लास जाके बैठ के करो। क्लास चलती कि नहीं चलती बाबू? क्लास चलती है, क्लास वैसे चलती तो है। चलती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस यूनिवर्सिटी में यही है कि हफ्ते में 4 दिन क्लास चलती है। अरे बस सब देखो सुनो, हम लोग यूपीएससी वाले एस्पिरेंट हैं, है ना, जो हफ्ते में 4 दिन क्लास चलती है, 5 दिन उनकी चलती है जिनका 3 पेपर रहता है। हमारे पास समय है, हम जितना पढ़ रहे हैं उतना हम रिविजन जाके करें, हम अपना यूपीएससी की तैयारी भी, हम यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं, हम स्कूल लाइफ में नहीं है कि हफ्ते की 6-6 दिन हमको क्लास में रगड़ा जाए, ऐसा तो है नहीं। हमको इसमें खुद पढ़ना पड़ता है एक तरीके से, और ये अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय का एक मतलब डेकोरम होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो अपना एक यहाँ पे उसका अपना प्रोटोकॉल होता होगा, वो हमको ज़्यादा पता नहीं, लेकिन आपके पास समय है अपने आप को इम्प्रूव करने का, रिवीजन करने का, तो ये कुछ कमियाँ होती हैं। अच्छा, डिसिप्लिन शानदार है कि नहीं? डिसिप्लिन शानदार है, डिसिप्लिन शानदार। आई कार्ड के बिना आप आते हो? नहीं सर, पहचान गए तो पहचान, लेकिन ठीक है, मतलब विश्वविद्यालय अब अच्छा लग रहा है। पिछले अच्छा मतलब विश्वविद्यालय में पिछले 2-3 महीने में क्या बदलाव आया है? पिछले 2-3 महीने में ये बहुत सारे बदलाव, ये आइडेंटिटी कार्ड जो चेक होने वाला है, चेक बिना आइडेंटिटी कार्ड के एंट्री जो नहीं होती है, जो यहाँ से बहुत पुराने छात्र जो पढ़ के चले गए हैं आईडी कार्ड, वो बात आपने बता दी। इधर भी कुछ लड़कियाँ भी खड़ी हैं, लेकिन ये लोग कैमरे से भाग रही हैं, तो कोई बात नहीं, कैमरा सबके पास आता है, लेकिन जो बोलता है उसको बोला जाता है। ये रहा है कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, कोई कुछ और कहना चाहेगा, मतलब एकदम पूरा हाँ दिल है कि मानता नहीं बोलूँ? सर मेरा नाम लवकुश कुमार है, मैं बिहार के मोतिहारी ज़िले से आया हूँ। पहले मैं सोचता था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसे कैसे मतलब कि पढ़ाई होता होगा, वहाँ पे गांव के लोग बोलते थे कि वहाँ पे बीए करना है तो कहीं से भी करे, उतना दूर जाने का क्या फ़ायदा है। तो मेरे भैया यहाँ पे पढ़ते हैं, तो वही बोले थे कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है, तो आए हम देखे, तो जितना सुने थे उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे, और सब डिसिप्लिन में रहते हैं,
और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आने के बाद महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हुआ। पापा मम्मी का सपना पूरा करोगे ना? जी एकदम। क्या बनना है? बिहार दरोगा। बिहार दरोगा, ठीक है, कुछ भी बनो, सपना पूरा करोगे ना? सपना पूरा करेंगे, बिल्कुल पूरा करेंगे जी। UPSC IAS। चलो हम भी सपने में आपकी जर्नी में साथ देंगे। इस समय PCS का इंटरव्यू अपलोड हो रहा है, क्या बनना है? सर पहले तो मेरा नाम अभय कुमार है, मैं BA थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग के गाइड भी अभिनव भैया ही किए थे, और जो CUCET PG के द्वारा UG के द्वारा आए हैं उनका भी पूरा श्रेय भैया को ही जाता है। और जैसा कि अगर आप लोग को थोड़ा भी संकोच हो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसी होती है, डिसिप्लिन है कि नहीं है, लड़कियों के जो सुरक्षा को लेकर कोई चीज़ कदम उठाया गया है कि नहीं उठाया गया, तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई हैं। जब हम थर्ड ईयर में आए थे, मतलब फर्स्ट ईयर में आए थे, तो काफ़ी चीज़ें अलग थी, लेकिन अब धीरे धीरे शासन जो है, प्रशासन जो है, काफ़ी चीज़ों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बदलाव की है। तो जैसे क्या क्या बदलाव किया उसने? जैसे कि पहले तो कोई भी बाहरी घुस जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले अब आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है, और पहले यहाँ पे जैसे कोई भी आकर घुस कर सेलिब्रेशन करता था, बर्थडे वगैरह कुछ भी वगैरह, मतलब मार करके चले जाते थे, यूनिवर्सिटी के बच्चों का नाम आता था, जबकि यूनिवर्सिटी के बच्चे थे भी नहीं, बाहरी बच्चे थे। अच्छा, विश्वविद्यालय के प्रोक्टर सर का कितना बड़ा रोल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा शासन तो बहुत ज़्यादा इस समय कर रहे हैं सर, लेकिन उससे आपको फ़ायदा हो रहा है ना? हाँ हाँ हो रहा है। जैसे कि हम लोग आए थे तो दूसरे प्रोक्टर से सर थे, और अब बदल गए हैं, तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं, काफ़ी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी कदम उठाए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर आना चाहते हैं, जो भी हमारे छोटे भाई हैं वो आना चाहते हैं, तो आप एकदम निसंकोच होकर आइए, और जो भी हेल्प हो सकते हैं भैया की यूट्यूब चैनल से। हम तो हेल्प तो करेंगे ही, हमेशा हेल्प करेंगे। तो ये रहा कैंपस का, कोई और कुछ बोलना चाहेगा? देखो कैमरा एकदम खुला है। हाँ हाँ, तुम अपनी बात बोलो। हाँ, फिर मेरी ये बात है कि जब फिर फर्स्ट ईयर में आया था तो उस समय COVID-19 का दौर लगभग ख़त्म होने के कगार पर था, तो फिर मैंने देखा कि कैंपस में उस समय जो चीज़ें चलती थी, कल्चरल के चीज़ें जो चलती थी, वो चलती तो थी लेकिन केवल पॉलिटिकल वे में चलती थी। लेकिन फिर सेकेंड ईयर आते आते यूनिवर्सिटी में पता नहीं है कैसे रिवोल्यूशन हुआ, फिर यहाँ पर इतनी कल्चरल सोसाइटी बनी है, जैसे उमंग, अस्मिता, द आजाद युवा मंच, और अद्वैत, और साहित्य उनर, फिर इतनी कल्चरल एक्टिविटी हो रही है जो अदर यूनिवर्सिटी हम लोग BHU DU वहाँ पर देखते थे, उससे बेहतर यहाँ पर इन्वायरमेंट बन रहा है, और फिर धीरे धीरे ग्लोरियस ये बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्सिटी भी बहुत कार्यक्रम करवा रही है, अलग अलग इवेंट, अलग अलग सेमिनार। यूनिवर्सिटी का मैं बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी का एक संस्था है बरगद, तो फिर बरगद के तहत अभी गांधी संस्थान इतनी सारी डिबेट, स्पीच, पोएट्री, FA कॉम्पिटिशन, तत्कालीन भाषण प्रतियोगिता लगातार हुए हैं, और फिर अभी वो जो फर मिले थे बरगद लॉन के, वो गांधी संस्थान से अभी मुलाकात हुई अभी रिसेंटली, वो बताएंगे 30 जनवरी से, अभी 30 जनवरी पे एक सप्ताह फिर कंपटीशन पूरी होने वाला है। तो विश्वविद्यालय बहुत कंपटीशंस, तमाम कल्चरल एक्टिविटीज, विश्वविद्यालय की रैंकिंग, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, सारी चीजें एकदम शानदार चल रही हैं। बस शानदार क्या बनाना है, अपनी सोच को बनाना है। इस वीडियो को इतना ताबड़तोड़ तरीके से शेयर करिए कि उनके मुंह पे करारा तमाचा लगे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हमेशा बोलते रहते हैं कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग वैसी है, विश्वविद्यालय में क्या होता है, क्या यहाँ पे मफल देखिए बांध के आए हैं। क्या नाम तुम्हारा? शहबाज आलम। शहबाज आलम, शहबाज आप किस ईयर में है? सर फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर के ज़्यादातर बच्चे दिखते हैं। अच्छा, मतलब मज़ा आ रहा है विश्वविद्यालय में? जी सर, काफ़ी बेटर लग रहा है। कहाँ से हैं आप? जी आजमगढ़। आजमगढ़ से हैं, तो मतलब विश्वविद्यालय के। अच्छा, अब इंटरव्यू बहुत, एक कुछ कहना चाहोगे यूनिवर्सिटी के बारे में? नहीं सर, मतलब कि अच्छा लग रहा है, काफ़ी जो एक्सपेक्टेशन थे उस पर थोड़ा पढ़ रहे हो कि बस अच्छा ही लग रहा है? नहीं, पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो ना सब लोग कि बस अच्छा ही अच्छा लग रहा है, आई आ रहे हो, बस्ता टांगे आ रहे हो, बस्ता टांगे जा रहे हो, होने तो जो होगा अब देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सब इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अब ये सीरीज शुरू हो चुकी है, आज हमारे साथ कुछ बच्चे थे, अब अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग बच्चों से हम मिलेंगे, सारे कॉलेज में भी ऐसे रिव्यू लेकर आएंगे, और हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ है विश्वविद्यालय इलाहाबाद तुझे कुछ और भी दूँ। ताबड़तोड़ तरीके से शेयर करिए, और विश्वविद्यालय हमारा अपना है, हम अच्छा बताएंगे तो दुनिया अच्छा सोचेगी, अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं तो हमें सुधार करना है, और हम सुधारेंगे, हम बदलेंगे, हम विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो, आज का रिव्यू समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, मिलते हैं एक नई और वीडियो में। थैंक यू।